गुरु भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हरि गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद श्रोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद श्रोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्ण श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्ण श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। श्री सभापति महोदय श्री भक्ति अन्य त्रिदन्य पादगण वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। आज है दो दो तीन 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 महापुरुषों का आज तिरुभाव महोत्सव है। कहते जो कार्तिक महीना है, देखो ये कार्तिक महीना की अधिष्ठात्री देवी कौन है? कहते कार्तिकेश्वरी ऊर्जा ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी। इसी महीना में जन्म करके प्रभुपाद के गण में प्राय करके देखने को मिलता है। इसी महीना में किसका तिरभाव और किसी महीना में किसकी आविर्भाव भी बहुत सारे भक्ति रखेगा का श्रीधर गोस्वामी महाराज मेरे गुरुपाद पर श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज का भी तिथि इसी में आती है इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी महाराज बहुत बहुत सारी वैष्णव का इसी महीना में ही क्योंकि ये जो अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्री राधा रानी बड़ी दयालु कृपालु है इसलिए महापुरुषों का इसलिए आज तीन तीन महापुरुषों का आज तिरुभाव महोत्सव है। इसलिए अभी अभी महाराज जी बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे। हम वैष्णव जगत में मरने का शब्द हम प्रयोग नहीं करते, हम कहते तिरुभाव महोत्सव। इसमें ये महोत्सव शब्द प्रयोग करते हैं। कहते हैं महोत्सव क्यों? महोत्सव तो आनंद होता है लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु में तो दुख ही होते हैं लेकिन इसमें महोत्सव शब्द क्यों प्रयोग हैं? जैसे इनको ऊपर से दिखने से क्या लगता है जैसे ये शरीर छोड़कर चले गए, बोले नहीं ये आते हैं क्यों, जाते हैं क्यों? अब विशेष करके श्रीमान महाप्रभु के जितने परिकर है कहते हैं ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार सदसियो धाम सहबत। कहते श्री महाप्रभु जैसे अपना धाम परिक्रम को लेकर के आए थे उसी तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद भी अकेले नहीं आए इसलिए स्वयं नयन मणि मंजरी को स्वयं राधा रानी मतलब प्रभुपाद को राधा रानी स्वयं आदेश देती है नयन मणि मंजरी जाओ इस जगत में कैसे तरह तरह का अपधर्म में आल बाउल नेड़ा नेड़ी हैं दरबेसाई सखी भेकी कितने अपसंप्रदाय छा गया है और धीरे धीरे श्रीमान महाप्रभु का वाणी धीरे 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 नष्ट होते जा रहे इसलिए स्वयं राधा रानी प्रभुपाद को आदेश देती है तुम अकेले मत जाओ तुम अपना परिकरों को लेकर के जाओ। इसलिए जब प्रभुपाद आए वो अकेले नहीं आए वो पूरा के पूरा अपना परिकरों को लेकर के इस जगत में आते हैं। जिस समय श्री प्रभुपाद बड़े उदास हो गए थे बोले क्यों ठाकुर श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इनकी विद्वता को देख करके बोले ये साधारण बच्चा कोई नहीं साधारण बच्चा कोई नहीं इनकी विद्वता को देख करके इसलिए इनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती उपाधि में इनको विभूषित किया था। बोले कौन? बोले तथा कथित जितने विद्वान थे इनकी विद्वता को देख करके इस सब टाइटल दिया था इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर श्री गौर किशोर दास जगन्नाथ दास वाज महाराज प्रभुपाद को बहुत कुछ दायित्व देकर गए थे। इस जगत में तुम महाप्रभु का वाणी को सर्वत्र प्रचार और इसलिए प्रभुपाद जब सब अंतर ध्यान हो गए प्रभुपाद बड़े दुखी हो गए। बोले प्रचार करने के लिए एक तो जन बल फिर एक अर्थ बल चाहिए लेकिन मेरे पास में दोनों ही कुछ भी नहीं है
बड़े उदास हो गए थे। इतने में उन्होंने स्वप्न समाधि में देखा संपूर्ण गुरु वर्ग प्रकट होते हैं, महाप्रभु प्रकट होते हैं। कहते तुम कोई चिंता मत करो, कह रहे हो ना जन और अर्थ बल नहीं, केवल तुम प्रचेष्टा करो, तेरे पीछे हम सबके सब मदद करने के लिए तैयार हैं। तो प्रभुपाद स्वयं कहते हैं मैं तो बड़े उदास हो गया था, लेकिन जब ये बात को मैंने स्वप्न समाधि में देखा, कहते मेरे अंदर में तो 100 गुण ज्यादा उत्साह आ गया, 100 गुण ज्यादा उत्साह आ गया। इसलिए प्रभुपाद का जितने गण है ये कोई साधारण नहीं, उसी गण में श्रील भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज अन्यतम है, क्योंकि ये प्रभुपाद से उन्होंने हरिनाम को इन्होंने प्रभुपाद से उन्होंने ग्रहण किया है। वो किस तरफ से आए हैं, वो किस तरह से आए, बोले पूर्व बंगाल से आए हैं। कहते पूर्व बंगाल है क्या चीज, जब श्रीमन महाप्रभु इस जगत से गए वो पद्मा नदी में, बोले पद्मा तेरे पास में अपना प्रेम रख करके जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद में एक महापुरुष आएगा, ये प्रेम तो पद्मा ये महापुरुष है, बोले उनका चरण स्पर्श से अपने आप तुम उफनने लग जाओगे, तब पता चलेगा ये वही महापुरुष है। जो वो उफना, वो उफनते ही उसी समय में एक हवा आई, वो हवा जिधर से उफनते हुए जिस तरफ में हवा चली गई, हमारे जितने सारे गुरु वर्ग उधर से आए। पूर्व बंगाल का सब जगह से भक्त नहीं बनते अभी भी, वो जिधर वो हवा गई उधर से आ गई, जितने हमारे भक्ति देते माधव मेरे गुरुदेव सबके सब उसी तरफ से आए। इसलिए ये सबके सब समझो महाप्रभु की एक तरह का प्रेमा बता रहे, महाप्रभु की ये प्रेमा। इसलिए इनकी जीवन चरित्र को देखने से ही पता चलता है ये महापुरुष लोग कितने बड़े बड़े महापुरुष हैं। जैसे हम सुनते ना ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, ये सब चीज प्रभुपाद इस गण में दिखता है, केवल प्रभुपाद का गण में। इन लोगों ने एक एक व्यक्ति जिस तरफ में गए, जिस तरफ से गए उस तरफ में टहलका मचा दिया, उस तरफ में टहलका मचा दिए। इसलिए महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आछे जात नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वरनाम, अगर ये शब्दों को अगर हम प्रयोग करते हैं कहां पर पूर्ण रूप में लागू होता है, केवल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद में लागू होता है। वो ऐसे एक वृक्ष हुआ है, कहते फले न परिचयते, कहते ना फल के द्वारा वृक्ष की महिमा है, लेकिन प्रभुपाद रूपी वृक्ष में ऐसे ऐसे एक एक दिव्य उसमें फल फले हैं, जो एक एक जो फल है वो अद्भुत फल है, वो एक अद्भुत फल है। वो फल में अन्यतम श्री भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज उसमें है। इसलिए इन्होंने हम लोग तो जन्म को बाद में फिर बड़े कष्ट से कहीं भक्ति में आते हैं, लेकिन ये महापुरुष ये पेट से ही भक्त है, इनको जो माँ है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का ही शिष्या है, हैं? इसलिए जब कोई माँ प्रसाद पाती है वो प्रसाद को पेट में बच्चा है, वो पेट में ही प्रसाद पा रहा है, जैसे मैया मंदिर तुलसी परिक्रमा कर रहे, पेट में बच्चा है वो बच्चा भी परिक्रमा करता है, पेट में बच्चा जब माँ प्रणाम करती है बच्चा भी प्रणाम करती है, सुनती है बच्चा भी गर्भ में बैठ बैठ करके, प्रहलाद गर्भ में बैठ बैठ कर कथा सुनते हैं। ऐसे एक महापुरुष जो जन्म से ही नहीं जन्म से मातृ गर्भ से ही जो भजन करने वाले श्रील भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज है। इसलिए इन्होंने जो बचपन में पढ़ते थे, कभी उन्हें नवद्वीप परिक्रमा में आए तो छोटे बच्चे थे, 10-11 साल के बच्चे थे। अभी जब परिक्रमा नवद्वीप परिक्रमा खत्म हो गया, अभी माँ चाहती है वापस से फिर लौट जाए, लेकिन मंदिर घर में वापस जाना नहीं चाह रहे, वो पिता माता ढूंढ रहे हैं। उनका बचपन का नाम था संतोष, हैं? सचमुच से संतोष है ये, हैं? हर की कभी भी इनके जीवन में असंतोष हमें कभी देखा नहीं, महाराज का बहुत संग हमने भी की, बहुत सेवा भी हमने किया है, कभी हर समय प्रसन्न नहीं, हर समय प्रसन्न नहीं, प्रसन्न कौन रह सकता है, बोले तत् प्रसादात पराम शांति, केवल उसकी कृपा से ही कोई प्रसन्न रह सकते हैं। इसलिए इनका जब जो संतोष नाम है, सचमुच से जगत में कोई संतोष नहीं, कृष्ण भक्त शांत है, सिद्धि रिद्धि कामी सबके लिए अशांत है, शांत कौन है, कृष्ण केवल शांत और कोई नहीं। इसलिए जब उनको ढूंढे संतोष कहा संतोष कहा वो मिल नहीं रहा है, तो इनको पिता माता ने कहा ये संतोष तो मिल नहीं रहे जाने के लिए, वो कहता है मैं यही रहूंगा, कोई बात नहीं रहे तो अच्छी बात है रह जाए। इसलिए उन्होंने आकर के परिक्रमा में ही आकर मंदिर में रह गए,
तो उनको भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में उनको भर्ती कर दिया गया। जब भर्ती कर उसी समय प्रभुपाद की सेवा करते थे, प्रभुपाद के मंदिर के साफ करते थे, जो मटर सूटी होता है ना उसको छिलका उतार उतार कर प्रभुपाद को खिलाते थे, प्रभुपाद इनके हाथ से सेवा ग्रहण किया इनका हाथ से। और इन्होंने उसी समय इनको भर्ती कर दिया स्कूल में, लेकिन इन्होंने जिस समय केवल स्कूल पढ़ने जाते थे केवल उसी समय ही पुस्तक पाठ को पढ़ते थे, मंदिर में आकर कोई पढ़ाई नहीं। मंदिर में आकर के वैष्णव सेवा, पूरा वैष्णव सेवा। इसलिए इनकी चरित्र को कहते हैं जैसे श्री नारद चरित्र है, नारद चरित्र है। कितना सेवन मुख ही जिह्वा गौ स्वयं में स्फुर तत्व। इसलिए अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्येन्द्रिय, कहते भगवान का नाम गुण लीला कोई जड़ इंद्रिय उनको स्पर्श नहीं कर सकता है, केवल वही उनको समझ सकते हैं जिसको अंदर में जितने सेवन मुख की वृत्ति है। इसलिए इन्होंने वैष्णव सेवा, छोटे बच्चे थे, बच्चे को बड़े सभी का आदर होता है, सारे प्रभुपाद के गण को खाते समय आसन बिछा कर केले का पत्ता उसमें नमक नींबू दे करके उसमें सेवा करना, उनको उनको बाद में जगह को साफ करना, कोई वैष्णव वृद्ध हो गए उनकी सेवा करना। देखो जब हम सेवा करते हैं ना, सेवा ऐसे की चीज है जिसको भगवान कहते हैं बस बंति माम भक्त्या सत पति, जैसे कि पति व्रता नारी पति की सेवा करते करते उसको अंगुल को ऊपर नचा देती है, ये सेवा ऐसे की चीज है। इन्होंने ऐसे वैष्णव की सेवा की, केवल वैष्णव सेवा से ही सारे वैष्णव उन्होंने संतुष्ट कर दिया। इसलिए इनको डिक्शनरी कहते हैं, इनको डिक्शनरी, इतने श्लोक याद है। एक बार महाराज जी कह रहे थे बोले अगर मैं कंटिन्यू 7 दिन इतने श्लोक मुझे याद है 7 दिन तक बोल तभी श्लोक मेरे मुख खत्म नहीं होगा, इतना डिक्शनरी। इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जब बोलते थे ये लिखते थे, लिख करके जैसे होता ना प्रूफ रीडिंग करते, कोई कुछ जरूरत नहीं है, जो लिख दिया ना इनका हाथ की जो लेखनी इतना अद्भुत, उसमें कोई किसी तरह का गलती नहीं। एक बार लिख दिया तो लिख लिया, उसको कोई प्रूफ रीडिंग करने का जरूरत नहीं, उसको प्रेस में दे तो वो साथ छप कर आ जाएगा। ऐसे इनको अंदर में विद्वता थी। एक समय क्या हो गया, इनको तो इतनी कथा मेरे को पता है। एक समय बंगाल में कहते ना रामकृष्ण अवतार, ये अमुक अवतार, एक समय आसाम में हंकर दे उसको भी वहां लोग भगवान कहते थे, भगवान कहते थे। एक बार क्या हुआ, हमारे गौड़ीय वैष्णव के साथ उनकी एकदम सामना सामनी हो गई, किसी धर्म सभा में सामना सामनी हो गई, उनको भगवान बोल करके वो लोग कहते ये भगवान है, ये आसाम के भगवान है। तब इनको भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इनको खड़े कर दिए, इनको पता है इतने श्लोक इनको याद है, इतने श्लोक याद है, इनको खड़े कर दिए, बोले बताओ इनको कह रहे हंकर दे भगवान है तो इसी विषय में कुछ बताओ। जब उन्होंने इनको बताया ना, क्या उन्होंने ऐसे कोई वेद पुराण उपनिषद ऐसे भागवत ऐसे कई ग्रंथ नहीं जहां से श्लोक को उन्होंने कोटेशन किया, बोले भगवान जब तक भगवान इसी जगत में अवतरण नहीं होते हैं, जैसे मानो मोदी अगर आएगा गोवर्धन में, ऐसे मोदी आ जाएगा पहले न्यूज पेपर में आ जाएगी, अनाउंसमेंट होगी, उनके लिए स्टेज बनेगा, पता नहीं एक साधारण एक मोदी प्राइम मिनिस्टर आने के लिए उसके लिए क्या क्या नहीं किया जाते हैं, भगवान जगत से इस थोड़ी आ जाते हैं। इसलिए कहते अप्रपंचात प्रपंचम अवतरणम इति अवतार, और ऐसे अवतार नहीं आ जाता है जैसे कल की अवतार होने वाले। भगवत में देखो बोले भवन विष्णु जस्य कल की प्रादुर्भव से वहां लिखा हुआ है किसके घर में, उसको पिताजी का नाम क्या होगा, माता जी ऑलरेडी बताया गया है, ऐसे अवतार नहीं आ जाते हैं। फिर उन्होंने महाप्रभु को भागवत में कहां कहां पर श्री गर्गाचार्य ने बसाए आसन ब्रह्मास्त्र गृहत अनुजुगम तनो शुक्ल रक्त तथापि तैदानी कृष्णताम गत कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती। उन्होंने जो उन्होंने कोटेशन श्लोक किया ना वेद पुराण, इसलिए पिताजी का नाम क्या, माता जी का नाम, जगत में कहां अवतरण होंगे, सची पुत्र भविष्य विष्णु प्रिय सबका नाम आता है शास्त्र में, इसलिए उन्होंने इतने श्लोक उच्चारण किए। उसके बाद में भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बताए अभी इसका एक ग्रंथ बना, अभी इसका एक ग्रंथ बना, इन्होंने जो बताया श्लोक ना उसी श्लोक से अभी हमारे मंदिर में एक ग्रंथ बनाया, महाप्रभु अवतार होने का प्रमाण किया है।
कहाँ कहाँ पर बता उसको ही अभी हमारे मंदिर में ग्रंथ बनाया। कैसे अद्भुत इनके अंदर में विद्वता, इनके अंदर में अद्भुत विद्वता, इनके अंदर में आपने भगवान की कितना संबंध देखा, कितने संबंध है। जो जगन्नाथ पुरी में जो तोटा गोपीनाथ है ना, एक समय पुरी में रहते समय सुपर्ण ठाकुर इनको स्वयं दिए। तोटा गोपीनाथ कह रहे हैं अब स्वयं हमारे भक्ति में नारायण वसा बावन वर्ष विग्रह स्थापन हो रहा था, बावन महाराज को गोसाई महाराज स्वप्न आया, देखो मेरे पुजारी मेरे को फटे फूटे कपड़ा पहना दिए, मेरे को कपड़ा नहीं पहना रहे, थोड़ा देखो मेरे को। तो उन्होंने हमारे महाराज को साथ में गए जाकर और ये कपड़े लेकर उन्होंने गए, बोले ये पुजारी को बोलिए कपड़ा ले लो और आपको जो पुराने कपड़ा थोड़ा मेरे को दोगे परीक्षा परीक्षा करने के लिए। जब दिया ना बोले कोई बात नहीं, नया कपड़ा लिया कहीं नया, पुराना कपड़ा दिया तो उसमें फटा, वो कपड़ा फटा फूटा था कपड़ा। इसलिए अगर ठाकुर जी को कहीं अगर जला हुआ अन्न भोग लगा दिया ना, झट सपना था मेरे को, उन्होंने जला हुआ उन्होंने चावल मेरे को भोग लगाया। अगर उनको सही सही जैसे नवद्वीप मठ में पहले भिक्षा में जो आता था वही भोग लगता था, तो साधारण चावल होता था। ठाकुर जी स्वप्न दिए इनको, बोले तुम देख नहीं रहे हो मेरे को कैसे खाना खिला रहे, और जैसे वहां पर जैसे खेती में जो होता था डाटा बाटा होता था जैसे, हाँ जब जब मंत्री है इसलिए जैसे उनको स्वप्न दिया ठाकुर जी तुम देख नहीं रहे हो मैं कैसे खाता हूँ। फिर महाराज ने हमको बोले अलग, बोले जो कुछ सबको हो रहा है हो रहा है, ठाकुर के लिए गोविंद भोग चावल का व्यवस्था करो, ठाकुर को अच्छे तरह से कुछ भाजी भूजा बना करके ठाकुर को भोग लगा। इनको डायरेक्ट रूप में माना ठाकुर के डायरेक्ट रूप में इनके साथ में संबंध था ठाकुर जी, ऐसे ठाकुर जी इनको स्वप्न देते। इसलिए ये महापुरुष जी समय हाँ इनका तो बहुत सारी कथा कितना सुना, बहुत बहुत इनकी कथा है। अभी महाराज जी एक अच्छी बात बता रहे थे, कनक कामिनी प्रतिष्ठा वाघिनी छाड़ी आछे जारे सहित वैष्णव। इसलिए बोले जिनको अंदर में ये तीन चीज नहीं होना इनको वैष्णव मानी जाती है। इनके अंदर में ये तीन गुण इनके अंदर में परिपूर्ण रूप बोले क्या है प्रभुपाद, कनक कामिनी और प्रतिष्ठा, ये तीन गुण वाघिनी को साथ उदाहरण दिया है जो भक्ति को नष्ट कर देने वाले। अभी बता रहे थे ना इनके अंदर में प्रतिष्ठा की कोई भी, इनके अंदर में प्रतिष्ठा की कोई भी बूंद तक भी इनके अंदर में नहीं था। अभी बता रहे थे ना सारा दुनिया चाहता हमारी पूजा हो पूजा हो पूजा हो सारा दुनिया, लेकिन ये किसको बताएंगे नहीं। जैसे कल उनकी व्यास पूजा है ना, एक दिन पहले से ही वो कहां चले जाएंगे समय से किसको पता ही नहीं चले कहां चले जाएंगे, रह जाएंगे गुरुदेव व्यास पूजा करना चाहते, इसलिए किसको अपना पूजा करने नहीं देते थे। और इन्हें ये आचार्य थे, देखो इन ये आचार्य थे, आचार्य रहते हुए भी आचार्य का कितना बड़ा अभिमान होता है, अरे मैं आचार्य हूँ, कोई भी काम होगा ना नहीं जाओ नारायण महाराज के पास। वो क्या कहते हैं सुनो, वो कोई भी अपना बात को नहीं रखते थे, नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं, बोले जाओ नारायण महाराज पूछो ये नारायण महाराज क्या कहते हैं। आचार्य होते हुए भी देखो इनके अंदर और एक विशेष गुण थी, जब वो दीक्षा देने के लिए जाते थे दीक्षा मंत्र हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोसाई बामन गोसाई महाराज के पास में आते थे प्रणाम करते थे, देखो क्या कहते थे, बोले आप हमें आदेश दो ये पाप कर्म करने जा रहा हूँ, ये पाप कर्म करने जा रहा हूँ मेरे को आदेश दो, प्रणाम करके आदेश लेकर जाते थे, कहते थे मैं पाप कर्म करने, क्योंकि शिष्य अगर उल्टा पुल्टा करता है ना उसका जो पाप है ना क्योंकि गुरु जी को लगता है, इसलिए कहते ये पाप कर्म करने के लिए जा रहा हूँ मेरे को आदेश दो। इसलिए प्रतिष्ठा का बूंद तक भी हम लोगों ने स्वयं देखा, सब कुछ होते हुए भी कहते ना इसलिए कहते हैं का मद नाही, वो कहते हैं ये प्रभुता जो प्रतिष्ठा ऐसे की चीज बोले का मद नाही, जगत में से कौन व्यक्ति हो सकता है जिसको प्रतिष्ठा मिले उसमें अंधा नहीं हो जाए। लेकिन इनके अंदर में सब कुछ रहते हुए भी बूंद मात्र भी कोई अभिमान और कामिनी कनक, कनक मतलब पैसा, देखो इनके अंदर में कितने भगवत विश्वास है, कभी भी उन्होंने बैंक में नहीं गए, कभी भी नहीं, उनका पॉकेट में जो पैसा होता था ना बोलते थे मेरा पॉकेट यही बैंक में भी है, हाँ साथ से बस कभी का ही नहीं। जिस मंदिर में जाते थे उनका जो प्रणाम मिलता था ना आते समय वो किसको बोलेंगे नहीं, प्रणाम बॉक्स में छुपा करके, प्रणाम बॉक्स में छुपा कर कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, कब छोड़ा क्योंकि बोले सारे मंदिर तो हमारी है, सब तो मंदिर तो उन्हीं का ही है ना, इसलिए ऐसे इनके अंदर में। और जो
कामिनी तो इससे तो बहुत दूर थे, इससे तो बहुत दूर थे। इसलिए ये प्रभुपाद का निजी जन है, महापुरुष कोई साधारण व्यक्ति नहीं। इसलिए ये कार्तिक महीना में ही इनकी ये अंतर ध्यान कथा तो इनकी मैं इतना जानता हूँ, इतना कथा जानता हूँ जिसका कोई अंत नहीं। लेकिन अभी बहुत सारे वैष्णव लोग हैं, अभी इनके गुणगान को करेंगे। इसलिए ये महापुरुष हम सबको ऊपर में कृपा करें, हमारे सबको ऊपर में ये आशीर्वाद दें। जैसे सारा जीवन हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत करते करते, गुरु वैष्णव की सेवा करते करते, और इनकी जैसे सेवा करते करते जैसे हमारे जीवन बीत जाए, ये हम सबको ऊपर में ये आशीर्वाद दे, हम सबको ऊपर में कृपा करें। भक्ति वेदांत श्रील पावन गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति वेदांत श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की जय। बच्चा गलुतर भस्य कृपा।